हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी प्रणीता मुले और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 7, पिंक एंड ब्लू आउटफिट आइडियाज। यस, इसके पहले जो हमने 6 एपिसोड्स किए थे उसी के कंटिन्यूएशन में ये एपिसोड नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको ब्लू और पिंक आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ, कॉम्बिनेशंस में ये आउटफिट्स कैसे दिखते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो भी मैं आउटफिट्स पहनने वाली हूँ वो मैंने कहाँ से खरीदे हैं और उसकी प्राइस क्या है, वो भी मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगी। और कुछ बातें करेंगे हम आउटफिट्स देखते देखते, थोड़े बहुत थॉट्स हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और मैं आपसे ऑनलाइन शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। ओके, सो गाइस बढ़ते हैं ये वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, ये है आउटफिट नंबर 1 जिसमें मैंने पहना हुआ है ये पिंक कलर का केप टॉप और उसके अंदर मैंने पैड किया है ये ब्लू कलर का मिनी स्कर्ट। ये वाला जो केप टॉप है ये मैंने खरीदा था मेरे फ्रेंड की स्टोर थी कैंप में पुणे। आपको पता है मैं पुणे से हूँ तो मेरी फ्रेंड की स्टोर थी यहाँ पे पुणे में, वहीं से मैंने ये वाला ये पिंक केप टॉप खरीदा था। उसका फैशन तभी बहुत ज़्यादा था और ये जो मैंने ट्राई किया है, मैंने पहली बार ट्राई किया है ये केप टॉप के साथ, मैंने ये मिनी स्कर्ट को पेयर अप किया है। मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन में एंड यस, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो ये वाला जो टॉप था आई थिंक ये मैंने बाय किया था से अबाउट 2000 के आसपास इसका कुछ प्राइस था। और ये जो मिनी स्कर्ट मैंने पहनी हुई है ये मैंने ली थी सिलोरी से। तो ये वाला जो फर्स्ट आउटफिट है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लगा ये आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो आप ऐसे मतलब इसकी फैशन अभी नहीं है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज आपको फ्रेंड के साथ ही चलना है। जैसे कि मैंने पहले पहले वीडियोज में बताया हुआ है कि फ्रेंड के साथ चलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप खुद कैसे कॉम्बिनेशन में चीज़ें पहन रहे हो और आप खुद का स्टाइल कैसे दिखा रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा स्टाइलिश दिखने के लिए। सो आपके पास कोई केप टॉप होगा तो आप उसे ज़रूर इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो गाइस बढ़ते हैं सेकंड आउटफिट की तरफ। सो गाइस, ये है आउटफिट नंबर 2। मैंने ये पिंक कलर की डंकीज पहनी हुई है, उसके साथ मैंने पेयर अप किया है ये ब्लू कलर का क्रॉप टॉप, आप देख सकते हो आपके ट्राउजर्स। तो ये वाली जो डंकी मैंने खरीदी थी मेरे बर्थडे पे, अभी मेरा जो बर्थडे गया 9 जून को, उसमें मैंने ये डंकी खरीदी थी ट्रिपल एस से। और ये वाला जो क्रॉप टॉप है वो भी मैंने वहीं से खरीदा था, इसके पहले भी मैंने ट्रिपल एस हॉल के ऊपर वीडियो बनाया था। बहुत अच्छी साइट है, बहुत स्टाइलिश कपड़े होते हैं वहाँ पे और एकदम रीजनेबल रेट में होते हैं। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि 1199 में 3 पेयर्स आती है वहाँ से, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। 799 में 2 क्रॉप टॉप्स या 2 पेयर आपको मिलती है और मैं काफ़ी बार वहाँ से खरीदती हूँ। सो इट्स अ वंडरफुल साइट, वहाँ पर बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, वैरायटी होती है वहाँ पे बहुत सारी, तो आप एक बार चेकअप कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको कलेक्शन। सो यही था आउटफिट नंबर 2। हम बढ़ते हैं हमारे आउटफिट नंबर 3 की तरफ। स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, ये है मेरा आउटफिट नंबर 3। मैंने ये टर्टल नेक टॉप पहना हुआ है, उसके साथ मैंने पेयर अप किया है ये स्कर्ट ब्लू कलर का, आप देख सकते हो। और ये जो स्कर्ट है ये मैंने खरीदी थी
मैच थे एक्चुअली, ये मेरी डॉटर की स्कर्ट है जो मैंने पहनी हुई है, तो उसके लिए मैंने तभी वहाँ से खरीदी थी और उसे वो अच्छी नहीं लगी इसलिए मैं उसे पहन रही हूँ। और ये टर्टल नेक वाला जो मैंने टॉप पहना हुआ है, काइंड ऑफ स्वेट शर्ट, ये मैंने यहीं के लोकल मार्केट से खरीदा था और इसकी प्राइस हार्डली गाइस होगी मतलब अराउंड 700-800। तो यही है मेरा आउटफिट नंबर 3, आप देख सकते हो। सो अब हम बढ़ते हैं आउटफिट नंबर 4 की तरफ। गाइस ये है आउटफिट नंबर 4, इसमें मैंने पहनी हुई है ये ब्लू कलर की डंगरी। आप देख सकते हो गाइस डंगरी बहुत ही एकदम कूल लुक देती है हमेशा और मुझे बहुत पसंद है डंगरी पहनना। सो ये वाली जो डंगरी मैंने पहनी है, वंस अगेन ये वाली डंगरी मेरे फ्रेंड के स्टोर से मैंने खरीदी थी। फिलहाल उसका स्टोर मतलब उसने अभी वो बंद कर दिया है, तो सैडली अभी ये पता नहीं कहाँ मिलेगी, बट स्टिल आई विल आस्क हिम कहाँ ये मिल सकती है आपको। और ये टाई डाई वाली लंबी है तो इसीलिए मैंने इसके साथ ये पैर किया है टाई डाई वाला क्रॉप टॉप। ये मेरे पास स्पॉट सेट था टाई डाई वाला, ये मैंने यहीं के मेरे घर के पास एक स्टोर है ब्रांड टाउन, वहीं से खरीदा था। तो ये इसके साथ परफेक्ट जा रहा था इसीलिए मैंने ये पैर किया है, आप देख सकते हो और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो यही है गाइस आउटफिट नंबर 4, पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन। बढ़ते हैं आउटफिट नंबर 5 की तरफ। गाइस आई एम बैक विद आउटफिट नंबर 5 और ये जो मैंने पहले पहना हुआ था मैंने आपको बताया वो वॉट सेट है, जो मेरा ऊपर जो मैंने टॉप पहना हुआ था उसी के नीचे ये इसमें पैर है, ये पैंट है उसके नीचे वो मैंने अभी डाली हुई है। और आउटफिट नंबर 1st में जो मैंने स्कर्ट पहना हुआ था मिनी स्कर्ट, उसे मैंने एज ए हॉलिडे नेक टॉप पहना है इसमें। सो आप देख सकते हो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ जब भी आप पैर कर रहे हो कोई चीज़, जैसे अभी ये जॉगर्स टाइप की ये पैंट है तो ये थोड़ी लूज है पैंट, सो ऊपर आप जब भी कुछ डालना चाहते हो तो ध्यान रखिए कि हमेशा वो थोड़ा फिटिंग में हो तो लुक अच्छा आएगा। सो यही था आउटफिट नंबर 5। हम बढ़ेंगे हमारे आज के लाइफ लास्ट वाले आउटफिट की तरफ जो है आउटफिट नंबर 6। सो मैं आपको दिखाऊंगी अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आउटफिट नंबर 6। स्टे ट्यून्ड गाइस, आई एम बैक विद आउटफिट नंबर 6। आप देख सकते हो मैंने ये वन पीस पहना हुआ है और उसके साथ मैंने पैर अप किया है ये ब्लू कलर की लाइनिंग वाली शॉल, जो कि इसके साथ बहुत अच्छी लग रही है। ये पिंक हॉट पिंक कलर वाला जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है ये मैंने लिया था अगेन SSS से, और ये शर्ट मैंने ली थी यहीं वाले लोकल मार्केट से, कैंप में एक स्टोर है वहाँ से मैंने ये खरीदी थी। सो ये वाली शर्ट हार्डली कैन यू इमेजिन सिर्फ 500 रुपीज़ की ये शर्ट है, बट आप इसका लुक देख सकते हो जा रही है इसके ऊपर। और ये शर्ट को आप ये थोड़ी ओवर साइज शर्ट है सो आप इसको इवन जीन्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, ये बहुत अच्छी लगती है प्लाजो पैंट्स जो अभी जिसका ट्रेंड है उसके साथ आप स्कर्ट लगा के पहनोगे तो इट्स गोइंग टू लुक अमेजिंग, बहुत अच्छी लगेगी। सो यही गाइस मेरा ये लास्ट सिक्स्थ आउटफिट था जो कि मैंने आपको दिखाया। और ये ड्रेस भी मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने SSS से खरीदी है, SSS पे अभी मुझे पर्टिकुलरली इसकी प्राइस एकदम याद नहीं है क्योंकि
मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारे डील्स चलती रहती है, जैसे कि 1199 में 3 बेल्ट मिलती है, 799 में 2 बेल्ट मिलती है। सो उसी में से मैंने खरीदा था इसे, बट आई डोंट रिमेम्बर, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है इसका प्राइस, बट बहुत ही रीजनेबल है, आप देख सकते हैं। बट इट्स लुकिंग गॉर्जियस। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको अच्छा दिखने के लिए ब्रांडेड चीज़ें ही लेना ज़रूरी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। गाइस, मैंने आपको दिखाए 6 डिफरेंट आउटफिट्स। ये वाला जो मैंने पहना हुआ है, ये लास्ट आउटफिट आपने दिखाया। मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती कि आपको अगर अच्छा दिखना है, आपको बहुत प्रेजेंटेबल दिखना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास ब्रांडेड चीज़ें ही होनी ज़रूरी है। समटाइम्स किसी के पॉकेट के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, और मैं ऐसा नहीं बोलती, ब्रांडेड चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सबके लिए वो लेनी मतलब पॉसिबल नहीं होती वो चीज़ें। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे ये बात शेयर करूँ कि इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि ब्रांडेड पहनो तो ही तुम अच्छे लगोगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसे कैसे कैरी कर रहे हो। यस, कलर कॉम्बिनेशंस, मतलब कलर कॉम्बिनेशंस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे ओवर साइज्ड आप कोई चीज़ पहन रहे हो, तो जैसे शर्ट ओवर साइज्ड है तो पैंट नीचे फिटिंग की अच्छी प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, तो उसका लुक अलग लगेगा। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कोई भी लुक को एनहांस करने के लिए। और आज मैंने जो भी कपड़े आपको दिखाए उसमें से कोई भी ब्रांडेड नहीं था, सारी चीज़ें लोकल शॉप से ली गई थी। और कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रिपल एस जो है वन ऑफ माई फेवरेट शॉपिंग साइट है, वो तो वहाँ से खरीदी हुई थी, और आप ज़रूर चेकआउट करना, मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि आपको वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी, और इवन क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है उनकी चीज़ें। सो यही था गाइस आज का वीडियो, और हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा आउटफिट ज़्यादा अच्छा लगा। हमने अभी तक 7 एपिसोड्स किए हैं कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर, अलग अलग आउटफिट्स मैंने आपको दिखाए हैं। सो बेस्ट कौन सा था आप मुझे ये बताना, पक्का मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और आगे भी मैं आपको बहुत सारी मतलब स्टाइलिंग टिप्स, फैशन के ऊपर टिप्स, इवन सारी ड्रेपिंग्स अलग अलग मैं आपको दिखाते रहूँगी। सो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना, और दैट्स इट गाइस, यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं अभी आपसे विदा लूँगी और मैं कल फिर आपको मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।